आज हम हिंदी विषय में साहित्य विविधा इस पुस्तक से एक नाटक का अवलोकन करेंगे। पिछले ही भाग में हमने प्रतिशोध इस नाटक की शुरुआत की थी। इस नाटक के पात्र है भारवी, श्रीधर, सुशीला, भारती और आभा। आज हम पन्ना नंबर 79 से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा है कि भारवी जो है अपने पिता से रुष्ट होकर चला गया है घर से। उसकी माँ व्याकुल है कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया है, और वो उसका दोष अपने पति को यानी कि जो उसका पति है उसको दे रही है। लेकिन उसके पति ने उसको अच्छे से समझाया है कि मैं मेरे बेटी के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। वो एक महान कवि है, लेकिन उसमें एक तरह की दाम्भिकता या उन्नति के प्रति वो एक अहंकारी बना है। इसलिए उसको योग्य वक्त पर, योग्य टाइम पर उसकी अनुशासन देना अतिशय जरूरी है। वो अपने पत्नी को समझाता है और अपनी पत्नी को वचन देता है कि मैं अपने बेटे को घर पे फिर से वापस लेके आऊँगा। आज हम आगे देखेंगे। भावुक मत बनो सुशीला, विश्राम करो। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारा भारवी कल तुम्हारे पास होगा। आज ही हो सकता था वह मेरे पास, यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व न देते। श्रीधर, मैं समझता था कि वह सदा की भावी भांति अवश्य घर लौट जाए। मैंने भी थोड़ी मर्यादा रखी, किंतु उस मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई। कल मैं जाऊंगा। हम उसकी पत्नी के पति जो उत्तरदायित्व है और वह यह नहीं है। सुशीला, मेरे लिए न सही, उसकी पत्नी के लिए ही आप कवि को खोजने के लिए लाओ। भारती, मैं आ सकती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम भारती है। सुशीला, भारती आओ देवी, तुम कवि भारवी से परिचित हो? भारती, वसंत ऋतु में कोकिल के स्वर से कौन परिचित नहीं है, क्योंकि उनका जो बेटा है भारवी वो एक महाकवि था और उसे सब जगह के सब लोग, देश के लोग जानते थे। उन्हें कौन नहीं जानता है? सुशीला, तुम उन्हें कब से जानती हो? भारती, गत पूर्णिमा के पूर्व में उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया था उसमें शास्त्रों को जैसे जीवन मिल गया, आज तक वेदांत की इतनी सुंदर मीमांसा मैंने नहीं सुनी जैसे महाकवि भार्गवी के मुख से सुनी, जैसे ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रहा है। सुशीला, धन्य है मेरा कवि। श्रीधर, इस समय तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है देवी? भारती, महाकवि के दर्शन। श्रीधर, लेकिन भार्गवी यहाँ नहीं है। सुशीला, हाँ, कवि अभी तक नहीं आया। भार्गवी, भारती, मैंने तो उन्हें मलिनी तट पर देखा था, सोचती थी कि इस समय तक वे यहाँ आ गए होंगे। सुशीला, अब कब देखा था, किस समय देखा था? भारती, आज प्रातकाल उषा बेला में। सुशीला, तुम उसमें उससे मिली थी? नहीं, वे उस समय ध्यान मग्न थे, ज्ञात होता था जैसे वो भारती की उपासना कर रहे हैं। ऐसा संदेशा वो भारती जो है उसके माता पिता को देती है। भारती, भारती की? भारती, मेरी नहीं, बिना पानी भारती की, सरस्वती की। मैंने उनका ध्यान भंग नहीं करना चाहा, सोचा बाद में वार्तालाप करूंगी। सुशीला, फिर वार्तालाप किया? भारती, नहीं, वे उद्विग्नता से उठकर एक और चले गए, मैं उन्हें पा न सकी। सुशीला, वह अब तक आए नहीं? उसके पिता भी तब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारती, ये उनके पिता है, प्रणाम करती हूँ। श्रीधर, अशुष्मती बनो देवी भारती, भारवी जैसे ही आएगा तुम्हारे आने की सूचना दे दी जाएगी। भारती, मैं कृतार्थ हूँ, किंतु आप कष्ट न करें, कल प्रांतकाल में पुनः सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। सुशीला, यदि इस बीच तुम्हें उसकी सूचना मिले देवी तो मुझे सूचना देना, मैं कृतार्थ हूँ। भारती, अवश्य, तो मुझे आज्ञा दे, प्रणाम करती हूँ। सुशीला, आयुष्मती बनो। सुशीला, देवी भारती से भी मेरी लाल की सूचना नहीं मिली। श्रीधर, अच्छा, अब तुम विश्राम करो शांत मन से, स्थिर चित्त से। सुशीला, विश्राम, स्थिर चित्त? माँ के लिए विश्राम और स्थिर चित्त जब उसका पुत्र उसके पास नहीं है, आप विश्राम करें, शास्त्र चिंतन समाप्त करें। श्रीधर, मैं उठता हूँ, तुम शैया पर जाओ, स्थिर चित्त से शयन करो।
उठो, मैं वचन देता हूँ कि कल भारवी को अपने साथ ही ले आ जाऊंगा। सुशीला, आप मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य करेंगे, चलिए। श्रीधर, अब ठीक है, मैं दीपक मन कर देता हूँ, यह लो अब शयन करो। मैं भी शयन करते हुए सोचूंगा कि सबसे पहले कहाँ जाऊँ। सुशीला, उसके बिना मैं नहीं जी सकूंगी, पूर्णिमा के चंद्र की तरह वह मेरा एक ही लाल है, महाकवि महापंडित भारवी। सुशीला, मुझे नींद नहीं आ रही है, मन न जाने क्या क्या सोचने लगा है। ऐसे माता पिता में बातें चल रही है। श्रीधर, अपना मन स्थिर करो, ऊपर देखो, आकाश में कितने तारे हैं, ये एक दूसरे के कितने दूर हैं, किंतु इनमें से कोई चिंतित नहीं है, सभी समान रूप से चमक रहे हैं। सुशीला, इस तारों में कोई माता नहीं है। श्रीधर, अपने मन को कल्पना से मुक्त करो। सुशीला, ईश्वर की शक्ति में ईश्वर विश्वास रखो, बीज से फूल कितनी दूर रहता है, किंतु बीज कभी मलिन नहीं होता, वह फूल को प्रफुल्लित रखने के लिए निरंतर रस भेजा ही करता है। तुम भी मंगल कामना करो कि जहाँ भी तुम्हारा पुत्र हो सुखी रहे प्रफुल्लित रहे। सुशीला, मेरा पुत्र जहाँ भी हो सुखी रहे प्रफुल्लित रहे। श्रीधर, हाँ, ईश्वर की शक्ति कण कण में वर्तमान है, वह सबका पोषण करता है, उसे विश्वास रखो। सुशीला, चौंक, यह खटका कैसा, क्या मेरा भारवी आ गया। श्रीधर, अरे यह तो हवा का झोंका है जिससे द्वार पर शब्द हुआ है, तुम व्यर्थ इतना व्याग्र हो रही हो। सुशीला, शांत हो रहो। सुशीला, मैं शांत हूँ, शब्द से मुझे भ्रम हुआ कि मेरा कवि आ गया, वह भी आते समय द्वार पर ऐसा ही शब्द करता था। श्रीधर, तुम्हारा भरवी कल अवश्य आ जाएगा, तुम शांत हो, देखो प्रकृति भी शांत है। सुशीला, मैं शांत कैसे हूँ, चुप अवश्य हो जाऊंगी, किंतु। श्रीधर, सुशीला, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें देखकर, यदि तुम इतनी अशांत हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए जाता हूँ। सुशीला, अंधकार में वो कहाँ मिलेगा, प्रांतकाल जाइए, किंतु मेरी प्रार्थना है कि अब आप उसे लाल की निंदा करना मेरी छोड़ दें, वह पंडित है, बुद्धिमान है, अब ये ऐसा न करें। श्रीधर, सुशीला, मैं आज तुम्हें एक बात बतलाऊँ, भारवी आज संसार का सबसे श्रेष्ठ महाकवि है, दूर दूर के देशों में उसके समानता करने का किसी में साहस नहीं है, वह शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुके हैं, उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है, किंतु भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार स्थान प्राप्त होते जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवि बने, पर अहंकार उन्नति में बाधक न आए, मैं उस अहंकार पर अंकुश रखना चाहता हूँ। वह इसी तरह से अपने पत्नी को अपने बेटे के बारे में समझा रहा है, अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है, वह अधिक उन्नति कर नहीं कर सकता, यही कारण है कि समय समय पर मैं उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूँ, प्रशंसा तो सभी करते हैं किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। सुशीला, क्या कहा आपने। श्रीधर, मैं नहीं चाहता अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए, तो जो आप मेरे लाल की क्रोध पर प्रकट करते हैं वह सच्चा नहीं है। श्रीधर, अणुमात्र भी नहीं, इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी है, मेरा पुत्र और भी विज्ञानी विद्वान हो जाए और यशस्वी बने। सुशीला, ओह, आप कितने महान हैं। भारवी, पिता पिता। सुधीर, सुशीला और सिद्ध। श्रीधर, भारवी, हाँ मैं भारवी हूँ। सुशीला, मेरा बेटा तू कहाँ रहा, मेरे बेटे तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया, तू कहीं कहाँ था, तेरी इतनी तू क्यों चला गया था। कहा था मेरे बेटे, माँ शांत रहो, अपने चित्त को स्थिर रखो। सुशीला, तेरे पिता भी कह रहे हैं अपने चित्त को स्थिर रखो, तू भी यह कहता है, मैं कहाँ ले जाऊँ अपने चित्त को, प्रभु इस संसार में माँ के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया। भारवी, माँ मैं यह कहता हूँ। सुशीला, बेटा अब मैं कोई बात नहीं मानूंगी, तू बतला कि तूने अभी तक कुछ खाया या नहीं, मैं 2 दिनों से तेरा भोजन लिए बैठी हूँ। भारवी, मैं इतनी ग्लानि में हूँ माँ कि संभव
मेरे जीवन भर भूख न लगे। सुशीला, तो तूने अभी तक कुछ नहीं खाया? भार्वी, नहीं माँ। सुशीला, ओह मेरा लाल 2 दिन से भूखा है, मैं अभी भोजन लाऊंगी। आभा आभा, कवि आ गया, उसके लिए अब तक भोजन नहीं किया? कहाँ है उसका भोजन? भार्वी, पिता मैं अपना पुत्र होने योग्य नहीं, इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए। इस तरह उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वत्स, तुम्हारे मुख में ये शब्द शोभा नहीं देते, अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो। मैं फिर कहता हूँ कि तुम मूर्ख हो, वकील बुद्धि हो। कि वो उसको फिर भी वो अपने बेटे को बोलता है कि तू एक मूर्ख और विकल बुद्धि का हो। सचमुच ही मैं मूर्ख हूँ, भार्वी बोलता है, विकल बुद्धि हूँ। यह तभी प्रमाणित होगा जब आप मेरा मस्तक तलवार से काट देंगे। श्रीधर, मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता, तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। भार्वी, किंतु पिता यह तलवार मेरा मस्तक काटेगी, उस ग्लानि को काट देगी तो मेरे जीवन को झंझा की भांति झंझोर रही है। इस तरह से उसका जो बेटा है वो घर वापस आता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता, श्रीधर कहता है, वत्स जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है, और इस तरह ग्लानि प्रधान नहीं है, जीवन प्रधान है। जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो, तलवार की अपेक्षा क्यों करते हो? और हाँ, तुम तो महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, तलवार नहीं। यह तलवार कैसी? भार्वी, पिता मैं महाकवि नहीं हूँ, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं है, तलवार है। जीवन का स्वामी नहीं हूँ, तभी तो ग्लानि का मुझ पर अधिकार है। श्रीधर, ग्लानि काला बादल है वत्स, जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता, कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक ही सकता है। उत्साह के प्रवाह से बादल को हटा दो। भार्वी, वह रक्त के प्रवाह से ही हटेगा पिता, और वह रक्त मेरे मस्तक का होगा। श्रीधर, मस्तक में सहस्त्र दल है वत्स, जिसमें ब्रह्म का निवास होता है। ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्मदेव की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे दोष दिखाए तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए था, यह नहीं कि ग्लानि से 2 दिन घर आने का नाम ही न लो। अब आधी रात में तुम आए हो, तुम्हारे हाथ में यह तलवार है और पिता से तुम अपना मस्तक काटने को कहते हो। मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय पे में पिता की भावना आज तुमसे वंचित हो गई है। भारे पिता, यह सब स्वीकार करता हूँ, आपसे वादा करना मुझे और कष्टप्रद होगा, किंतु मैं अपना निर्बलता अपने सामने प्रकट करना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों का कार्य प्रतिशोध से परिचलित था। इस तरह से उसका जो बेटा है वो घर आता है, उसके माता पिता का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता है, और जैसे ही भार्वी आता है तो उसको पश्चाताप होता है और वो अपने पिता से कहता है कि आप मेरा सर घर से अलग कीजिए, काट दीजिए, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ, और मुझे आप क्षमा मत कीजिए, तो आप मुझे प्रतिशोध कीजिए, आप मुझे ताड़ना कीजिए। उसके बाद उसके पिता कहते हैं, श्रीधर प्रतिशोध? भार्वी, हाँ पिता, प्रतिशोध आपने मुझे लांछित किया। जब मैं शास्त्रार्थ में विजयी हुआ आपने मुझे सार्वजनिक रूप में लांछित किया। मैं पराजित करता था वे ही अपने वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करते थे, सभाओं में लांछित करते थे। 2 बार जब आपने सब पंडितों के सामने मेरी निंदा की तो मैं क्रोध और ग्लानि से भर गया, मैं घर नहीं लौट सका। मेरी सारी विजय की उमंग रसातल में चली गई। मैं समझ लिया कि जब तक मेरे पिता वर्तमान है तब तक मैं इसी प्रकार लांछित होता रहूँगा। लेकिन उसके पिता जो है भार्वी को हमेशा मूर्ख बुद्धिहीन कहते थे। उसके पीछे एक ही कारण था कि उसको गर्व ना हो, अहंकार ना चढ़ जाए, उसके उन्नति के आगे उसका अहंकार ना आए, इसके लिए वो हमेशा उसको प्रताड़ित करते थे, उसको मूर्ख और बुद्धिहीन कहते थे। लेकिन उनके मन में अपने बेटे के प्रति प्रेम था, एक भावना थी, और वो जानते थे कि अपना बेटा एक महाकवि है। इसके आगे का जो उर्वरित भाग हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।